हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को दिक्कत जा रही है। सिक्योरिटी असिस्टेंट जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें फोटो और साइन अपलोड करने के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत जा रही है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्हें भी यहाँ पे दिक्कत जा रही थी। उन्होंने हमें फेसबुक पे मैसेज किए तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी इन स्टेप को फॉलो करके जो है आप अपना फोटो और सिग्नेचर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर का विड्थ चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर का भी 3.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइट दी गई है फोटो की, वो है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे सिग्नेचर की जो हाइट दी गई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एडिट करने वाले हैं, वो किस तरीके से एडिट करेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर देना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड में हम लोग जो है इसको शेप बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एमएस वर्ड और एमएस वर्ड को ओपन कर देते हैं। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ पे आपकी जो भी जहाँ पे भी फोटो आपकी होगी तो उस फोटो को यहाँ पे आपको ला लेना है, ठीक है। तो हमारी फोटो जो है अभी डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो डेस्कटॉप में हमारी फोटो है, नीचे आते हम लोग और ये फोटो हम लोग ले लेते हैं, इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना होगा और साइज एंड पोजीशन पे जाना होगा। साइज एंड पोजीशन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको हाइट डालना है और यहाँ पे आपको वेट डालना है, ठीक है। यहाँ पे अभी 14.05 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 14.05 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कर देना है 3.5 और यहाँ पे जो विड्थ मांगी गई थी, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे जो विड्थ मांगी गई थी वो 3.5 है, हाइट है 4.5, तो हाइट जो है इसका रहेगा 4.5 और विड्थ जो रहेगा इसका वो रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है अपने आप ये, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में ये फोटो इस तरीके से आ जाएगा और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे फोटो भी ले लेना है, आपका जो साइन है वो साइन भी ले लेना है। तो इन दिस केस साइन यहाँ रहा, इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में राइट क्लिक कर देना है, साइज एंड पोजीशन पे जाना है। हाइट जो है इसका वो रहने वाला है 1.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 1.5 कर देते हैं और इसका जो विड्थ होगा वो होगा 3.5 सेंटीमीटर और इसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद में आपको पावर पॉइंट ओपन कर देना है। पावर पॉइंट ओपन होने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं हम लोग और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। और यहाँ पे आपका जो फोटो है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर देंगे कंट्रोल सी से और प्रेजेंटेशन में कंट्रोल वी से हम लोग यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको एक कॉर्नर में लेके चले जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो साइन है उसको भी हम लोग यहाँ से लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसके नीचे रखने के बाद में चाहो तो आप इसे आउटलाइन का कलर दे सकते हो, कुछ भी अगर मान लेते हैं रेड अगर मैं दे देता हूँ, इसको भी आप चाहो तो कलर दे सकते हो ताकि जो है आपको ध्यान में रहे इसका बॉर्डरिंग, ठीक है। इतना भी आपने कर लिए हो तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको फाइल को एक्सपोर्ट कर देना है, आपको चेंज फाइल टाइप, इसको जेपीजी में फोटो में आपको सेव कर देना है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, जो भी आप नाम देना चाहते हो, पीएस कर देते हो, पीएस फोटो कुछ करके मैं कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद में ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी हमारी और इसको हम लोग ओपन कर देंगे पेंट में, ताकि वो जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हम लोग उसको काट सके, ठीक है। इसको हम लोग काट लेते हैं इतना, नीचे से भी हम लोग इसको काट लेंगे, आपको जूम करके देखना होगा, नीचे से भी थोड़ा सा है ये, इसको भी हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसको हम लोग कर देंगे सेव। सेव होने के बाद अगर आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट को अभी, तो इसका साइज आ चुका है 22.5 KB, तो इसको हम लोग अभी अपलोड करने की ट्राई करेंगे। तो
तो जो फाइल हमने तैयार की थी उसके लिए हम लोग चूज़ फाइल पे क्लिक करने वाले हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद में नीचे आ जाएंगे हम लोग, और हमने जो फाइल तैयार किए हुए हैं उसको हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू एंड अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू एंड अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये फाइल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये सबमिट हो चुकी है। होने के बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में एक कन्फर्म बॉक्स आएगा, तो आर यू श्योर टू प्रोसीड, ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है ये फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, जनरेट हो चुका है। इसको चाहो तो आप ये क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका जो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे इनका फोटो ही बचा हुआ था, तो ये फोटो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दैट आफ्टर फाइनल सबमिशन यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई योर एप्लीकेशन डिटेल। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी भर दिए हैं इनका एप्लीकेशन जो है, जो डिटेल इन्होंने डाले हुए हैं, तो अब इसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको यस कर देते हैं और इनका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, कंप्लीट आ चुका है, एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है, और यहाँ पे ये कंप्लीट आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन है इसे आप प्रिंट कर सकते हो। इस पर हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में ये जो फाइल है ये पीडीएफ में सेव हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको पीडीएफ में सेव कर देते हैं, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, इसको लोड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और जिस भी कैंडिडेट का ये पीडीएफ है मैं उसको ये एप्लीकेशन जो है उनका अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है। इसमें भी अभी रात के 2 बज गए आप देख पा रहे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।